हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ट्वेल्थ अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 4, नए साझेदार का प्रवेश। सम नंबर 4 कर रहे हैं हम यहाँ पर। एक्स और वाई साझेदार हैं जो कि 7:3 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। वे जेड को साझेदार बनाते हैं। एक्स अपने भाग का 1/7 भाग तथा वाई अपने भाग का 1/3 भाग जेड के पक्ष में समर्पित करते हैं। नया अनुपात बताइए। X एंड Y आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:3। Z वॉज एडमिटेड एज अ पार्टनर। X सरेंडर्ड 1/7 ऑफ हिज शेयर एंड Y 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ Z। कैलकुलेट न्यू रेशियो। इस सम में हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है वो समझ लीजिए। सबसे पहले ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशो दिया है 7:3। देन जेड को एज अ न्यू पार्टनर इंटर किया है फर्म में। यहाँ जेड का हमें कोई भी रेशो या शेयर नहीं बताया है कि कितना शेयर या कितना रेशो प्रोवाइड कर रहे हैं उसे। बट हमें ये बोला है कि एक्स अपने शेयर का 1/7 पार्ट और वाई अपने शेयर का 1/3 पार्ट जेड को दे रहा है, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ओके, तो हम सबसे पहले सैक्रिफाइस कैलकुलेट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सैक्रिफाइस कैलकुलेट कर लेते हैं हम। सैक्रिफाइस ऑफ एक्स, एक्स का शेयर है 7/10 और उसका सैक्रिफाइस है 1/7। तो हम 7/10 इंटू 1/7 करेंगे तो यहाँ x का सेक्रीफाइस आ जाएगा 7/70। इसे सॉल्व कर लेते हैं और हम, तो ये हो जाएगा 1/10। देन सेक्रीफाइस ऑफ y, y का रेशो है 3/10 और उसका सेक्रीफाइस है 1/3। तो 3/10 इंटू 1/3 करेंगे हम तो ये हो जाएगा 3/30। इसको भी सॉल्व कर लेंगे हम प्रॉपर तो ये हो जाएगा 1/10। देन अब हम न्यू रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं। न्यू रेशो का फॉर्मूला, न्यू रेशो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस। तो न्यू रेशो ऑफ एक्स, ओल्ड रेशो यानी 7/10 माइनस सेक्रीफाइस 1/10। ओके, तो 7/10 में से हम 1/10 जब माइनस करेंगे तो आप सॉल्व करके देख लीजिए। 7-1 6/10। तो x का न्यू रेशो हो गया 6/10। देन हम बात करते हैं न्यू रेशो ऑफ y, y का ओल्ड रेशो है 3/10 और सेक्रीफाइस है उसका 1/10। तो 3/10 में से हम 1/10 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2/10। तो x और y का न्यू रेशो आ गया है हमारे पास। देन z का रेशो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि दोनों ही पार्टनर्स ने जितना सेक्रीफाइस किया है उसका टोटल जेड का शेयर हो जाएगा। तो जेड्स रेशियो इज इक्वल्स टू एक्स सेक्रीफाइस प्लस वाईज सेक्रीफाइस। तो एक्स ने सेक्रीफाइस किया है 1/10 प्लस वाई ने सेक्रीफाइस किया है अगेन 1/10। तो 1/10 प्लस 1/10 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2/10। ओके, तो फॉर्म का जो न्यू रेशियो है दैट इज 6/10 इज टू, 2/10 इज टू 2/10। इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम तो ये हो जाएगा 3:1:1। ओके, सो न्यू रेशो ऑफ फर्म इज 3:1:1। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।